हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हाथ की आर्ट में। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हाथ की आर्ट में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम दो रंग का बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बनाना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम ये सफेद वाला धागा लेंगे और इसको इस तरह से पकड़ते हुए गांठ लगा करके हम चैन बनाएंगे। चैन आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, जितनी लंबा या चौड़ाई में आप अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं उस हिसाब से उतनी लंबी रख सकते हैं। चैन हम यहाँ पे चार चार चैन का जोड़ा लेंगे। इस तरह से बनाते हुए हम पूरी चैन को कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, तीन चैन छोड़कर, एक दो तीन चैन छोड़कर चौथे वाली चैन में यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशे बुनेंगे। अगली वाली चैन में इस तरह से डबल क्रोशे बुनेंगे। यहाँ हमें चार डबल क्रोशे बुनने हैं, यानी कि जो हमने तीन चैन ली थी, एक वो और तीन डबल क्रोशे, और एक दो तीन चार हो गए। अब हमें क्या करना, एक चैन लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने चैन ली थी यहाँ पे एक चैन छोड़ेंगे और अगले वाले में इस तरह से डबल क्रोशे बुन देंगे। यहाँ हम तीन डबल क्रोशे लेंगे, एक दो तीन, तीन डबल क्रोशे हो गए। अब फिर एक चैन लेंगे, फिर एक चैन यहाँ छोड़ेंगे और अगली वाली चैन में बुनेंगे। फिर यहाँ हम तीन डबल क्रोशे लेंगे, ये देखिए एक दो तीन, तीन डबल क्रोशे हो गए। फिर एक चैन लेंगे, यहाँ एक चैन छोड़ के अगले वाले चैन में फिर से हम तीन डबल क्रोशे बुनेंगे। ये देखिए, फिर एक चैन लेंगे, एक चैन छोड़ के इस वाले में इस तरह से हम इसको पूरा करेंगे। फिर एक चैन लेंगे, एक चैन छोड़ के दूसरे वाले में इस तरह से ये देखिए चार, एक चैन, फिर तीन डबल क्रोशे, एक चैन, तीन डबल क्रोशे, एक चैन, तीन डबल क्रोशे। इसी तरह से हम ये पूरा बना सकते हैं, जितनी लंबी आप चैन लो। बस एंड में मैं इतना ही बनाकर दिखाऊंगी। यहाँ पे चार लेंगे, शुरू में हमने चार लिए थे, एंड में हम चार लेंगे। अब हम मान लो हमें इतना ही लंबा प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ भी जैसे जैकेट स्वेटर, हमें इतनी ही चौड़ाई चाहिए, तो हम ये चैन को यहाँ से कट कर देंगे। इसको छोड़ दो, बाद में हम कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे तीन चैन लेंगे, इस तरह से घुमाएंगे। अब इसको छोड़ करके इस वाले में इस तरह से डबल क्रोशे बुनेंगे। हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बुनेंगे। देखिए इसके ऊपर ये आया, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों। अब यहाँ पर हम एक चैन लेंगे, फिर ये इसको छोड़ के अगले वाले में यहाँ पे जैसे ये बुने हमने चैन छोड़ के, इसी तरह यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ, ये देखिए। अब ये आखिरी वाले में हमें क्या करना, यहाँ से इस तरह से लेना, यहाँ पर छोड़ के अब हमें लाल वाला धागा इस तरह से जोड़ेंगे। इस तरह से तीन एक चैन लेंगे, इसको इस तरह से घुमाएंगे, सफेद धागे कहीं छोड़ देंगे। अब इसमें
ये एक चैन बुन दी। अब हमें क्या करना, इस तरह से तोबल लेंगे और यहाँ से इस तरह से एक दो तीन चार, ये देखिए अब इसमें इस वाले में सिंगल क्रोशिया, इसको हम छोड़ देंगे। एक दो तीन चार पाँच, पाँच हो गए, एक दो तीन चार और एक पाँच, पाँच हो गए। अब हमें यहाँ पे आके फिर से इस तरह से दो बल लगाएंगे, यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशे बुनेंगे इस तरह से, एक दो, एक दो, इस तरह से फिर से हम इसको छोड़ देंगे। इस वाले में जब जो नीचे हमने डबल क्रोशे लिया था उसी के ऊपर तीन डबल क्रोशे बुनेंगे, अब हम इस तरह से फिर से इसी में से एक, ये देखिए यहाँ पे तीन सिंगल क्रोशे बुनेंगे। इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, ये देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें यहाँ पे फिर से वैसे लेना और इस तीसरे वाले में यहाँ पे इसमें इस तरह से लेना है। यहाँ पे एक दो, अब हम यहाँ पे एक चैन लेंगे, इसमें नहीं बुनेंगे यहाँ बुनेंगे। अब हर एक चैन में इसी तरह से सिंगल क्रोशे बुनते हुए हम इस पूरी लाइन को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमने इस पूरी लाइन को कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। अब हमें ये आखिर वाले में यहाँ पे हमें क्या करना है, धागे को ऐसे करेंगे इस तरह से, अब इसको इस तरह से हम इसको अब इस लाल वाले धागे को पकड़ के खींच देंगे। तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, इस तरह घुमाएंगे, ये देखिए। अब फिर से जैसा हमने यहाँ पे चार डबल क्रोशे लिए थे एक चैन हो गए, अब हमें यहाँ पे इसको छोड़ के इस वाले में एक दो, एक दो तीन चार हो गए, फिर एक चैन लेंगे इसको छोड़ कर इस वाले में एक दो, देखिए चैन को पूरी चैन तीन आगे। अब हम चैन लेंगे इसको छोड़ इसमें
इसी तरह से दो लाइन होंगी, कंप्लीट करके अभी दिखा दे। ये देखिए, ये मैंने दो लाइन कंप्लीट कर ली है, इस तरह से दो लाइन कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे आके हम ये लाल वाला धागा इस तरह से जोड़ेंगे, तीन चैन लेंगे यहाँ पे, ये एक चैन लेंगे, इसको इस तरह घुमाएंगे, इसमें अब हम इस तरह से लेंगे ऊपर, और इसको यहाँ से जैसा हमने पहले बनाया था तो देखिए, अब हम फिर से इस तरह लेंगे, इसमें इस तरह से दो तीन चार पाँच, इस तरह ठीक है। जो ये चैन थी इसको इसमें हम नहीं बुनेंगे, इसको छोड़कर तीन इस तरह से बुनेंगे। देखिए तीन, एक चैन छोड़ दी, तीन, फिर यहाँ पे आके एक दो इसी तरह से कंप्लीट करके अभी दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने पूरी लाइन कर ली, देखिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।